पैरेलल लाइन प्रैक्टिस सेट लिखिए 2.1 प्रैक्टिस सेट 2.1 प्रैक्टिस सेट 2.1 पैरेलल लाइन प्रैक्टिस सेट 2.1 ओके क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड यस सर क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी स्टूडेंट सॉल्व द होमवर्क हाउ मेनी स्टूडेंट कंप्लीट द होमवर्क नो वैष्णो इज सर्कल कहाँ या हो गया क्या डाउट है सर्कल का होमवर्क में फिफ्थ और सिक्स में डाउट है तो चलिए पहले सर्कल का डाउट क्लियर करता हूँ जो अब आपको नहीं है जिसको सर्कल में डाउट है वो पूछ सकते हैं प्रॉब्लम सेट के पहले डाउट क्लियर कर दो ना फिर एग्जाम में आएगा तो फिर क्वेश्चन में दे दूंगा सॉल्व करने के लिए मैं कहाँ कुछ बोल रहा मैं भी कुछ नहीं किसी को बोल रहा हूँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए पहले हेडिंग सर्कल का प्रॉब्लम सेट लिखते हैं सर्कल का प्रॉब्लम सेट पहले हम डाउट क्लियर करते हैं लिखिए प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट चैप्टर सर्कल ओके क्वेश्चन नंबर 5 हाँ दूसरा सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट हाँ जो लोग सॉल्व कर लिए हैं वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्रॉब्लम सेट सर्कल का डाउट जिनको डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ फिगर पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ए बी इज ए कॉर्ड सही रहेगा इस तरह पढ़ाना डिस्टेंस काफी दूर है नहीं वायरस आएगा ए बी कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ऑन डायमीटर एट पॉइंट ई तो आपको दिया है कि इफ क्या दिया है इफ एंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या है डी ई पी देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी ये आपको प्रूव करना है ओके ये सर्कल है ये आपका सर्कल है और ए आपका डायमीटर ए यहां से ऐसे पास हो गया और ए यहां से ऐसे पास हो गया ओके ई पॉइंट है ए दिस इज द ई पॉइंट एंड ए बी और ए डायमीटर है और सी और डी ए डायमीटर है और ये सेंटर पी है ओके तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी ए बी सी डी के इक्वल है ये हम लोग को प्रूफ करना है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रूफ दिस क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट आप सॉल्व कर लिए हैं आप नहीं सर आप सॉल्व किए नहीं सॉल्व किए ना श्यामानंद नहीं क्या नाम वेदांत सॉल्व किए हो नहीं किए हो नहीं तो नहीं किया आता है सर तो आता है तो एग्जाम में इसीलिए 30 नंबर आया तुमको नहीं सर 30 नहीं आया सर तुमको तूने सॉल्व किया है होमवर्क नहीं किया है थोड़ा नहीं कंप्लीट करना है आपने किए नहीं किए चलो ठीक है नहीं किए तो पूछ लीजिए थोड़ा कुछ भी नहीं होता है खाना खाने में तो पूरा खाते हैं खाना थोड़े थोड़ा खाते हैं उसमें तो कहते पूरा सब खाना है प्रसाद पूरा खाना है थोड़ा भी कम नहीं होता चलिए जल्दी से आप कैसे इसको हाउ टू प्रूव दैट कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास एक एंगल दिया है ए ई ए ई पी ए ई पी ए एंगल दिया हुआ है और इक्वल एंगल डी ई पी ए एंगल दोनों इक्वल है ओके दो एंगल इक्वल हो गया आपको ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं बोलिए जल्दी से बताइए कैसे इसे प्रूफ कर सकते हैं सर हम एक एयर ड्रॉप
क्या ड्रॉ कर सकते हैं? बोलिए क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। तो इन ट्रेंगल हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल? ENP एंड ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा? EMP वी हैव हो गया। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल, एंगल AEP कॉन्ग्रुएंट एंगल DEP ए गिवन है और एंगल PNE कॉन्ग्रुएंट एंगल कितना? PNE ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया। और साइड सेगमेंट, सेगमेंट PE इक्वल टू सेगमेंट, सेगमेंट PE ये आपका होगा कॉमन साइड, कॉमन साइड, ओके कॉमन साइड हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि therefore triangle ENP congruent triangle EMP by test angle angle side। तो क्या हो गया? therefore हम बोल सकते हैं कि therefore any congruent, any किसके congruent हो जाएगा? any congruent EM by test CACT। तो अब यहां से क्या बात बनेगी? अभी तो बात फिर फंसेगी क्या? कि सेगमेंट एनी इक्वल टू सेगमेंट MP। अब ए और ए आपस में इक्वल हो गए, तो ए परपेंडिकुलर है तो ए भी तो इक्वल हो जाएगा, और ए इसके इक्वल हो जाएगा आगे, तो आगे के ये वाला बात फंसे कैसे? नहीं सर। हाँ सर, सर वो कॉर्ड है सर। कौन सा? हाँ कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड है, सीडी कॉर्ड है सर। हाँ उसका सेंटर में से उसका डिस्टेंस सर PN है सर। सेंटर से डिस्टेंस PN है। हाँ सर, क्योंकि परपेंडिकुलर है सर। हाँ और सर इधर भी सर। हाँ इधर कॉर्ड AB का डिस्टेंस सेंटर से PM है। हाँ तो PN और PM इक्वल है सर। हाँ इक्वल, डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल ना सर। थ्योरम से प्रूव किया है ना सर। हाँ हम लोग थ्योरम प्रूव किए हैं। तो सर AB और CD इक्वल हो गए ना सर? इक्वल हो जाएगा। जल्दी इतना नोट करिए पहले। तो हम लोग अभी प्रूफ किए थे ना, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि कॉर्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमने कल कन्वर्स ऑफ द उसका मैंने कराया था। हाँ बोलिए बात होती है। आगे पीछे कराते रहोगे क्या? मुझे